हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके बारे में पहले आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा कि ये 99 पोर्टल गेटवे पोर्टल पे रीडिंग है, कि इसके बाद क्योंकि आज खुल चुका है 99 गेटवे पोर्टल, 99 गेटवे पोर्टल और 99 क्योंकि आज तारीख है 9 और मंथ भी है 9। ठीक है, सो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप गूगल पे पढ़ सकते हो। काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं इसके बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि ये गेटवे क्या क्या है, कैसे है, सो ये सारी चीज़ें आप गूगल पे देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। मैं इसका मीनिंग नहीं समझाऊंगी, मैं बस ये जो पोर्टल खुला है इसके बाद आपके लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव आएंगे, सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या आएंगे उसके बारे में बात करूंगी। हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मुझे है थ्रोट इन्फेक्शन जो कि अभी 99% लगभग ठीक हो चुका है। थोड़ी बहुत पोस्ट इन्फेक्शन जो खांसी होती है वो थोड़ी बहुत है, फिर भी मैं रीडिंग्स कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि जब से मुझे खांसी शुरू हुई है या जब से मैं बीमार हूँ तब से भी मैं रोज़ वीडियो डाल रही हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने वीडियो नहीं डाला है। तो चाहे मेरे गले में दर्द हो, चाहे मुझे बात करने में प्रॉब्लम हो रही हो, खिचखिच हो रही हो, फिर भी मैं आप सबके लिए रीडिंग्स ला रही हूँ, राइट? तो इसको अप्रिशिएट करने के बजाय कुछ हेटर्स हैं हमारे यहाँ पे, कुछ ऐसे कम अकल लोग हैं यहाँ पे जो आके बोलते हैं कि आपके खिचखिच का इलाज करो, बहुत इरिटेट होता है और जब आपका गला ठीक हो जाए तब वीडियो बनाओ। देखो यार, ये चैनल तो मेरा है, मिस्टिक हिंदी टैरो, ये चैनल मेरा है, तो मुझे यहाँ पे खिचखिच करके बात करनी है या खांसी खा करके बात करनी है, छींक के बात करनी है, मेरी मर्जी है, राइट? मैं अपने उन व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाती हूँ जो जैसे है मुझे एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो मैं उनके लिए बनाती हूँ जो लोग वेट कर रहे होते हैं, जिनको सच में गाइडेंस मिलती है मेरे वीडियो के थ्रू। मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिनको सिर्फ वीडियो सुनने से मतलब है, उनको उनका काम हो गया और फिर टाटा बाय बाय। मैं ऐसे लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ जिनको जेन्युइनली मेरी वीडियोज़ पसंद है, वो मेरे प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मेरे को खिचखिच हो रही है तो उसमें क्या छुपाना, हर एक को होती है सर्दी खांसी, मैं क्यों छुपाऊँ? अब मेरा गला ख़राब है तो मैं दिन भर बैठी रहूँ कि हाँ मेरा गला 4 बजे अगर ठीक हो जाएगा तब मैं वीडियो बनाऊँगी? यार, मैं जैसे भी है मैं वीडियो बना तो रही हूँ ना, तो उसको अप्रिशिएट करो। आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो मत देखो, अनसब्सक्राइब कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी मिस्टिक हिंदी टैरो की फैमिली, जो वेट कर रहे होते हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपको कभी खांसी नहीं होती है क्या? तो आपके ऑफिस जाना बंद कर देते हो? आपके आसपास वाले लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि खासो मत, हमें काम करने में तकलीफ़ हो रही है? तो प्लीज़ यार, थोड़ा ना अपना जो ये नेगेटिविटी जो भर के रखी है ना अपने अपने दिमाग में, दिल में, उसको ज़रा निकालिए बाहर। देखिए, अभी भी मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है फिर भी मैं बोल रही हूँ ना, उसको अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ पे किसी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए तो बैठी नहीं हूँ। जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो जाए कहीं और वीडियो देखे, ठीक है? अब इसको मेरा एटीट्यूड समझो कुछ लोग या कुछ भी समझो, लेकिन सच में यार इतनी प्रॉब्लम हो रही है फिर भी मैं अगर बोल रही हूँ और आपको वो खिचखिच सुनाई दे रही है बजाय के गाइडेंस पे ध्यान दो, तो ये आपकी गलती है और आप पागल हो, फिर मुझे मत बोलो, ठीक है? चलिए, लेट्स स्टार्ट द कैसे है ना, इन लोगों को है ना सुनाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये लोग फिर अपनी मुँह चलाते ही रहते हैं। एनीवेज, चलो शुरू करते हैं। ये 99 गेटवे पोर्टल खुलने के बाद आपके रिश्ते में क्या कुछ बदलाव आएंगे वो देख लेते हैं। ओके, एंड बॉटम डेक में है वैनिटी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल खुल रहा है इसके बाद ना काफ़ी लोगों के लिए आपको ऐसा फील होगा कि आपके गोल्स फिक्स हो रहे हैं, आप अपने लाइफ पर्पस को कह लो या अपने काम को अहमियत दे रहे हो, अपने लाइफ को अहमियत दे रहे हो, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हो, ठीक है? हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने काम पे दो, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करो, ठीक है? जो आप हॉबीज़ या कुछ भी जो भी करना चाह रहे हो काफ़ी टाइम से, उस पर ज़्यादा फोकस दो, उस पर ज़्यादा समय दो, ठीक है?
तो काफ़ी लोग मुझे अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे, अपने हॉबीज़ पे, अपना कुछ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने पे ज़्यादा फोकस आपका रहेगा, ठीक है। बट आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना है कि ओवर वर्क नहीं करना है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उतना ही करोगे तो बेहतर है आपके लिए। अगर ओवर वर्क कर रहे हो आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके हेल्थ पे असर होगा, आपके इमोशंस पे असर होगा, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि आप ना, आपके अंदर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ है, चाहे फिर वो अपने काम को लेकर हो, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो, अपने रिश्तों को लेकर हो, कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ नेगेटिविटी है जिससे आपको अब लड़ना है, ठीक है। उसको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि ये इनसिक्योरिटीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। तो काम करिए अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे, चाहे फिर वो किसी पर्सन को लेकर हो, किसी रिश्ते को लेकर हो। कोई डर, कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी जो आपके अंदर है ना, उसको बाहर निकालना है, फेंक देना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ सके। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि किसी के लाइफ में या कहीं पे आपकी अहमियत खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो ये आपको फील नहीं करे, इससे भी आपकी इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है शायद, कि आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कितनी अहमियत देते हैं, उस पर आपकी हैप्पीनेस या आपकी लाइफ डिपेंड करती है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पे फोकस करें, उसके वजह से अपने लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ ना आने दें। अपने लाइफ में आपके नज़र में आपकी अहमियत क्या है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि दूसरों के लाइफ में आपकी अहमियत क्या है उसको जानना, ठीक है। इन चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा फील कर सकते हो, इन चीज़ों पर ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या फील करोगे, क्या महसूस करोगे, क्या कुछ आएगा आपके लाइफ में, न्यू क्या आएगा। लेट्स स्टार्ट। मुझे ये भी लगता है काफी लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं, स्पेशली कुछ लोग ऐसे ही है ना, जिनको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर माई पर्सन, शायद मुझ में ये कमी है। आप खुद को डिफेंड करने के बजाय अपने पार्टनर को डिफेंड कर रहे हो। काफ़ी समय से ऐसा चलता आ रहा है कि आपके पार्टनर के बिहेवियर ने आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट की है, आपको ऐसा लगने लगा है यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप प्यार एक्सपेक्ट करते हो, अगर आप प्यार देते हो सामने वाले पर्सन को, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको प्यार करे या ना करे, ठीक है। आपका काम तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। दूसरी चीज़, इस रिश्ते को लेकर अगर कोई इनसिक्योरिटीज़ थी, कोई डर था, कोई परेशानियाँ थी ना, वो भी कम हो जाएगी। बस उस पर आपको फोकस नहीं करना है, इनसिक्योरिटीज़ पे फोकस नहीं करना है, बल्कि प्लस पॉइंट्स पे फोकस करना है, इस रिश्ते की, इस पर्सन की, अपने आप पे, ठीक है। अपने अंदर भी आपको अपने ऊपर भी काम करना है, क्योंकि हम एज अ पर्सन जैसे हैं ना, वही हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे रिश्तों में, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि रिश्तों पे असर भी पड़ सकता है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा या तो काम कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे फोकस है आपका, इमोशंस को अगर इग्नोर कर रहे हो, तो वो भी आपके रिश्तों पे काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि लोगों के लिए मत सोचो, अपने लिए सोचो कि आप अपने नज़र में कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। आप सेल्फ लव थोड़ा भूल ही गए हो लगता है, उस पे फोकस करो। आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लव लाइफ में? पेशेंस, चूज वाइजली, विजडम, एंड बॉटम में है रेस्ट एंड रीजन। इट मे बी ये हीलिंग का वक्त है, ठीक है। देखिए, रिश्तों में फ्रॉम टाइम टू टाइम एनालाइज अगर ना किया जाए, स्पेस ना दिया जाए, अपने ऊपर काम ना किया जाए ना, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का रिश्तों पे भी असर पड़ता है। तो ये वक्त आपके लिए यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने लिए दें और अपने हीलिंग पे, अपने पे फोकस करें,
कई बार ऐसे होता है ना कि हम सामने वाले पर्सन के लिए इतना कुछ करने लगते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं उस प्रोसेस में, ठीक है। तो फिर ना हम खुद को 100% दे पाते हैं, ना तो सामने वाले पर्सन को कुछ ज़्यादा दे पाते हैं। तो आपको फोकस सारी चीज़ों से हटा के अपने ऊपर लाना है, हील करिए, वक्त लीजिए अपने लिए, ठीक है। ऑल्सो कहीं ना कहीं अपने विजडम को फॉलो करें, ठीक है। और विजडम कहाँ होती है? अपने अंदर। तो झांकना है अपने अंदर, सीक इनसाइड योर सेल्फ, ठीक है। आपका विजडम अपने अंदर है और वही आपको सही रास्ता दिलाएगा। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सही सिचुएशन या सही सोच रखने लगेंगे, सही सोचने लगेंगे, उनका नज़रिया पॉजिटिव हो जाएगा, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी और वो अपने विजडम को फॉलो करेंगे। और आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने विजडम को फॉलो करो। मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको सेकेंड प्रायोरिटी पर रखा था और किसी और को चूज़ किया, किसी और पार्टनर को, अपने करियर को, फैमिली को, तो अब वो मुझे लगता है कि आपको चूज़ करने पे यू नो उनका कंसिडरेशन आप पे आ जाएगा और वो आपको चूज़ करेंगे या उनका फोकस आप पे आ जाएगा, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको भी गाइड कर रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई सिचुएशन है जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ऑप्शंस है, तो चूज़ सही से करिए, गलत डिसीजन मत लीजिए, अपने विजडम को फॉलो करिए। या अगर आपको लगता है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, तो वो करिए, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन अगर इससे पहले इस रिश्ते में पेशेंस नहीं रखते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में यू नो आगे बढ़ाने की जल्दी, चीज़ों में हड़बड़ी बहुत किया करते थे, तो अब पेशेंस लेवल ये बढ़ाएंगे आपके साथ, इस रिश्ते के साथ, जिसकी वजह से आप को भी यू नो ये फील होगा कि हाँ यार, ये पर्सन अभी मुझे कंसिडर कर रहा है, मुझे यू नो अच्छे से पेश आ रहा है, अच्छे से सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, पेशेंस रख रहा है इस रिश्ते में और मेरे लिए। एंड आपको भी ये बताया जा रहा है कि आप भी पेशेंस रखिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो चीज़ें हाथ से जा सकती है, आप गवा सकते हो काफ़ी सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी पेशेंस रख लिया है, बहुत पेशेंस रख लिया आपने, पेशेंस सबका ख़त्म हो चुका है, तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। आपने अगर पेशेंस रखा है तो, अगर आप बहुत नीडी बने हो, रोए हो, धोए हो, तो फिर इसमें टाइम लग सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। ये जो 99 पोर्टल खुला है, उसके बाद आपके लव लाइफ में क्या कुछ बदलाव आएंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। सो चलिए फोकस पूरा प्लीज़ पर्सन पे रखिए। ओके, पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम डेक में है द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ पे साइंस है पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सैगिटेरियस। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, अब ये पर्सन चाहते हैं एक शुरुआत करना आपके साथ। आई नो आपने बहुत बार सुना है हर टैरो रीडर से, मुझसे, कि एक नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी, और काफ़ी लोगों की हो भी जाती है शुरुआत, तो ये जनरल एनर्जीज होती है, तो यू नो आगे पीछे हो सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ये इच्छा हो रही है, जागृत हो रही है कि वो आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करे, इस रिश्ते को मौका दे, अपने आप को मौका दे, आप दोनों को मौका दे, ठीक है। तो मुझे इनके तरफ से कोई ऑफ़र आते हुए दिख रही है आपके तरफ, कोई स्टेबल ऑफ़र, क्योंकि किंग और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो एक स्टेबल ऑफ़र, ठीक है, जो कि काफ़ी सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया है कि आपके साथ इन्हें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, एक मौका देना है रिश्ते को। मुझे लगता है ये पर्सन ना काफ़ी नज़र रख रहे हैं आप पे, काफ़ी ध्यान है इनका, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और
ये डिसीजन इनका अचानक से नहीं बना है, काफ़ी सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये आपको मे बी स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, हो सकता है किसी फेक आईडी से स्टॉक कर रहे हो। एंड जितना इस पर्सन ने दूरी बनाई रखी है आपसे, उतना ही इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया है, उनकी इनके ट्रस्ट इशूज़ बढ़ते गए हैं, कहीं ना कहीं इनको डर लगने लगा है, खौफ इनको एक होने लगा है, कहीं आप को ये खो ना दे, कहीं आप इनके ज़िंदगी से चले ना जाओ, कहीं इनको एक एंग्जाइटी सी इस पर्सन को फील होने लगी, गिल्ट सा महसूस होने लगा है कि यार ये क्या हो गया, दूरियाँ क्यों है हम दोनों के बीच में, जबकि मैं इसको स्टेबिलिटी दे सकता हूँ, जबकि मैं इसको प्यार दे सकती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन के पास इस वक्त आपको ज़्यादा कुछ ऑफ़र करने के लिए है नहीं, तो जो भी है दे वॉन्ट टू ऑफ़र इट टू यू, चाहे फिर वो अटेंशन हो, प्यार हो, वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो, अभी ये इतना ही दे सकते हैं आपको। ठीक है, मे बी अपने ऐसे फेज में है लाइफ में जहाँ पे ये कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इस वक्त तुरंत वो आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे सकते जो आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर लेती हूँ कार्ड्स को, ताकि हमें क्लियर पिक्चर दिख जाए क्या कुछ है। दे वैल्यू यू, ये पर्सन आपकी वैल्यू करने लगे हैं, समझने लगे हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, तो साइंस सॉरी कार्ड्स जो आए हैं, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, एंड एरीज लियो सैगिटेरियस है। तो ये जो न्यू ब्रांड बिगनिंग इनको करनी है वो इसीलिए करनी है क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी समय तक इस पर्सन ने आपको ब्लॉक्ड रखा, दूर रखा अपने से, कम्युनिकेशन बंद थी आप दोनों के बीच में, दूरियाँ थी, डिसकनेक्शन था। एंड इस पर्सन ने काफ़ी वक्त लिया, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला ना, अचानक से ही नहीं आ रहे, ये काफ़ी सोच समझ के आ रहे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम लिया अपना, काफ़ी वक्त ये दूर रहे आपसे, डिसाइड किया, कुछ डिसीजंस लिए, एंड फिर ये कुछ ऑफर करने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इनकी मूवमेंट भले ही स्लो है, बट इनकी मूवमेंट सक्सेस की तरफ ही जा रही है आप दोनों के रिश्ते के। एंड मुझे ये भी लगता है कि इनके अंदर मुझे डेफिनेटली एक झिझक दिखाई दे रही है इस पूरे सिचुएशन में, एक झिझक डेफिनेटली फील हो रहा है इनको। ये जो भी आप दोनों के बीच में इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करी है ना, वो उसको मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और एरीज लियो सैगिटेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे थे क्योंकि वो आपके साथ सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं, अपने तरफ से जो कुछ कर पाए इस रिश्ते के लिए वो करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच की जो एक ऑकवर्डनेस जो आ गई ना आप दोनों के बीच में, इतने टाइम दूर रहने के बाद या रिश्ते में ये जो सिचुएशन आई है, एक ऑकवर्डनेस आ गई है डेफिनेटली। ठीक है, उसको वो हटाना चाहते हैं, पूरी कोशिश करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जब इस पर्सन ने स्टॉक किया या जब नज़र रखी ना आप पे, तो इनको ऐसा महसूस होने लगा जैसे आपको काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, आपको कोई उनसे चुरा ना ले, दूर ना ले जाए, और हमेशा के लिए रास्ता ना बंद हो जाए, इसलिए भी थोड़ा रेस्टलेस हो रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट एनर्जी फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की भी आई है, जहाँ पे इनके मन में ट्रस्ट इश्यूज भी जनरेट होने लगे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एग्जैक्टली क्यों आई है, पहला कार्ड है डेथ, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। यस, आई टोल्ड यू, ये स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आपको काफ़ी समय से देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे सब कुछ बहुत ख़त्म सा होते जा रहा है, सब कुछ एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो प्यार, जो रिश्ता ब्यूटीफुल इन्होंने बिल्ड किया आपके साथ, अब वो ख़त्म हो रहा है।
ठीक है, ऐसा इनको फील होने लगा, डिसिपेट होने लग रही है, जैसे आपकी फीलिंग्स ख़त्म होने लगी है ऐसा लगने लगा। और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली जब इन्होंने मुड़ के आपकी तरफ देखा तो मे बी इनको दिख रहा था कि आप सोशलाइज कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसा लगा इनको। तो उसकी वजह से ना उनका स्ट्रेस बढ़ गया कि कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं जा रहे हो, या गए हो, या आगे तो नहीं बढ़ गए। तो उनको ना रिश्ता ख़त्म होते हुए दिखने लगा, और वो उनके मन में, एक जहन में एक डर सा बैठ गया कि यार सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, इसलिए स्ट्रेस में दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एग्जैक्टली क्यों है? किंग ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। साइंस है एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पर्सन के पास भले ही आपको ऑफर करने के लिए कुछ ना हो, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इनका प्यार ही काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और इनको पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में। एंड ये आपके प्यार को लेकर एंड अपने प्यार को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ ना, तो भी ये पर्सन के लिए मेरा प्यार ही काफ़ी है। ये भी पर्सन जानता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ इससे, और वो आपके प्यार को भी जानते हैं, ठीक है, एंड वो अपने अंदर के पोटेंशियल को भी जानते हैं कि वो किस तरह आपको हासिल कर सकते और रख सकते अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए। तो उनको अपने पे थोड़ा भी शक नहीं है, ठीक है, उनको पता है कि मैं तो ऑफ हूँ, मैं तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपना बना सकता हूँ एंड अपना बना के रख सकता हूँ, इतना मेरे अंदर जुनून है इस पर्सन के लिए, और इतना कॉन्फिडेंस भी इस पर्सन को है अपने आप पे। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी आपको काफ़ी समय से स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, ताकि ये एक शुरुआत की आपके सामने ऑफर रख सके, और होपफुल है, बहुत कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर कि जिस तरह का प्यार आपके मन में ये पर्सन जगा सकते हैं, जिस तरह का अट्रैक्शन इनके मन में आपको लेकर है, कोई इतना प्यार आपको नहीं दे सकता। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, फोर ऑफ स्वर्ड्स है एंड फाइव ऑफ स्वर्ड्स है। देखिए, यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। पहली बात तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली आपको खोना तो नहीं चाहते, लेकिन उनको अपने फैमिली का भी टेंशन है। हो सकता है आपकी बैकग्राउंड्स अलग है, रिलीजन्स अलग है, कास्ट अलग है, तो इनको एक डर लग रहा है फ्यूचर का, ठीक है, कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, इस बात का स्ट्रेस भी है इनको। हो सकता है पास्ट में फैमिली इश्यूज़ आए हो, ठीक है, तो अगर इनके हाथ में होता ना, इनको लगता है कि ये तो तुरंत आपसे शादी कर लेते और कमिटमेंट दे देते, लेकिन बात इनके फैमिली पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि आप दोनों में कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिफरेंसेस है जिसका ही स्ट्रेस ये पर्सन लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि अब आप इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हो, अब आपने अपने आप को छुड़ा लिया है इस रिश्ते से, आगे बढ़ रहे हो, हील हो रहे हो, रिकवर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, तो इनको उस चीज़ का भी एक स्ट्रेस है कि कहीं आप इनको छोड़ के किसी और के पास ना चले जाओ। एंड उनको ये भी स्ट्रेस है कहीं इनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे और बाद में जाके फिर आपको ऐसा ना लगे कि इन्होंने आपको चीट कर दिया, अगर ये इन केस अपने फैमिली को सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, तो ठीक है, ये भी डर है। डेफिनेटली इनको अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, क्योंकि बॉटम में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, अट्रैक्शन काफ़ी है, रिस्पेक्ट है आपकी, आप यू नो, ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, दे नो यू वेरी वेल, बट फिर भी इनको ऐसा लगते रहता है कि कुछ तो है जो छुपाते हो आप, कुछ तो है जो छुपा हुआ है इनसे। नाइट ऑफ प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो के प्रिकॉन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि इस पर्सन का जो ओवर थिंकिंग है, ये पर्सन जितना सोचते हैं ना आपके बारे में, कभी कभी वो ओवर थिंकिंग में बदल जाता है, और उसकी वजह से नेगेटिव्स भी बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, पॉजिटिव्स भी बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसके वजह से सोच सोच में ही रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, और कोई डिसीजन नहीं ले पाते जल्दी से, तो इसलिए भी काफ़ी वेट करवाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इनको जितने अच्छी चीज़ें, जितना अच्छे थॉट्स आते हैं, उतने नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि एक जनरल देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, जनरली आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे इस 99 पोर्टल खुलने के बाद, मतलब ऑलरेडी खुल ही चुका है, तो क्या बदलाव आने वाले हैं।
सम गुड न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आ सकते हैं, कोई जॉब का न्यूज़ या कोई इंटरव्यू का कॉल या कुछ भी, समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, या तो किसी का कम्युनिकेशन हो सकता है, तो कुछ गुड न्यूज़, कुछ न्यूज़, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कम्युनिकेशन, मच एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकता है जिसको आप काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो. नेक्स्ट है यहाँ पे द हर्मिट. आपका विजडम बढ़ेगा, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आप अपने आप को समझ पाओगे, आप अननोन चीज़ों को अच्छे से यू नो क्लियर कर पाओगे अपने लाइफ में. आपके लाइफ में ना जो हिडन चीज़ें थी वो लाइट में आएगी, वो आपके सामने आएगी, लोगों की सिचुएशन की रियलिटी आप देख पाओगे एंड एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे. ठीक है, आपको अच्छे लोगों का गाइडेंस भी मिलेगा. नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स. देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सही लोगों पे और सही सिचुएशन पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, चाहे वो फाइनेंसेस हो या इमोशंस हो या कुछ भी हो. ज़रूरी नहीं है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो इमोशंस की बात है, लेकिन जहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे ना आप, यू वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि यार सामने से भी उतना ही आए, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी हर्ट हो चुके हो इन द पास्ट. ठीक है, हर मामले में, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, आपने इन्वेस्ट करने के बाद भी काफ़ी बार आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुई है चीज़ें. नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो आप चाहते हो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे फाइनेंशियली हो या रिश्तों के मामले में हो. मच अवेटेड जो एक सिचुएशन है जो काफ़ी टाइम से धीरे 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 आगे बढ़ रही थी, वो पेस पकड़ेगी. ठीक है, एंड लास्ट है यहाँ पे डेथ कार्ड स्कॉर्पियो. मुझे यहाँ पे एक नई साइकिल, एक नई जर्नी बिगिन होते हुए दिख रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है आपके लाइफ में. एंड कोई टॉक्सिक साइकिल एंड होके कोई ब्यूटीफुल न्यू साइकिल बिगिन होगी. एक फ्रेशनेस फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे रीबर्थ हुआ है आपका. ठीक है, एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं. अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हो, तो फाइनेंशियली फाइनली आप डिपेंडेंसी आपकी हट जाएगी, आपको किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करना पड़ेगा. अगर आप ऑलरेडी जॉब और अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, तो और अच्छा, और स्टेबिलिटी, और पैसा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. चलिए और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आएगी आपके लाइफ में. आपके लिए है सिंप्लिसिटी. ठीक है, देखिए, अगर आपकी लाइफ में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत यू नो सारी चीज़ें बहुत आउट ऑफ द स्कोप हो गई थी, तो वो चीज़ें फाइनली ठीक हो जाएंगी. एक सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सिंपल हो जाएगी. ट्रुथ, तो कोई रियलिटी आपके सामने आ सकती है. फाइनली आप कुछ रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो, देख पाओगे, रियलाइज़ कर पाओगे. नेक्स्ट है यहाँ पे टेकिंग रिस्क. एंड फाइनली आप में अगर हिम्मत नहीं हो रही थी, कुछ भी ऐसा था आपके लाइफ में जो आप करना तो चाह रहे थे बट रिस्क नहीं लेना चाहते थे या डर रहे थे, तो फाइनली ये वक्त होगा रिस्क लेने का. और यू नो डर के आगे जीत है बोलते हैं ना, डेफिनेटली वैसी कुछ सिचुएशन रहेगी. एंड एक नई बिगनिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, एक न्यू रीबर्थ ही होते हुए मुझे लाइक राइजिंग फीनिक्स की तरह मुझे आप दिखाई दे रहे हो. ओके, आपके लिए लव लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं. आपके लव लाइफ के लिए या क्या गाइडेंस है, दो कार्ड्स चाहिए मुझे आपके लव लाइफ के लिए. ओके, पहला कार्ड या पहला मैसेज आपके लिए रहेगा ये, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू. फोकस क्यों नहीं हो रहा? ओके, द ठीक है, इसको एक मिनट रुकिए. सो यहाँ पे है द पास्ट इज बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज अवेलेबल. तो देखिए, पास्ट को पीछे छोड़ दो क्योंकि वो ऑलरेडी पीछे है. ठीक है, रिलीज़ करिए उसको और न्यू पॉसिबिलिटीज़ या न्यू जो हो सकता है उसको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी रहिए. आपके लिए एक नया रास्ता अवेलेबल किया जाएगा, उसको फॉलो करिए पूरे ट्रस्ट के साथ. और नेक्स्ट मैसेज और लास्ट मैसेज है, माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, तो आपके जो लव पार्टनर है वो आपको कह रहे हैं कि भले ही हम फिजिकली दूर दूर है, स्पिरिचुअली हम यूनाइटेड होते हैं हमेशा, क्योंकि प्यार हर चीज़ को, स्पेस और टाइम को ट्रांसेंड करता है, उसके पार चले जाता है. तो नथिंग इज़ मिसिंग, तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपके जनरल लाइफ के लिए एडवाइस देखते हैं. नाइन पोर्टल के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है आपको, क्या करना चाहिए. यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें प्लीज़ हमारे व्यूअर को. यहाँ पे है
ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यू कैन ओवरकम एनी थिंग। तो लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, आप उसको फाइनली ओवरकम कर जाओगे। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, तो एंजल्स गॉड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड फाइनली है वॉन्डरिंग पाथ, एन्जॉइंग द जर्नी। तो देखिए, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम घर से निकले और डेस्टिनेशन हमें पता हो। कभी कभी यू नो मंजिल जहाँ पे हम चल रहे होते, जो जर्नी होती है, उसको भी एन्जॉय करने में एक अलग ही मज़ा है। तो घूमिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए, ठीक है, अपने लाइफ में हर चीज़ को। आगे बढ़ते हैं और एडवाइस देख लेते हैं। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। ओके, तो है यहाँ पे सनड्रेस, डू इट फॉर यू। देखिए, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी एंग्जाइटी है, टेंशन है, उसको रिलीज कर दीजिए और हियर एंड नाउ में जिए, ठीक है। ब्राइट एनर्जी में, हैप्पी एनर्जी में आइए, जॉय और स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। सी, फीनिक्स की बात मैंने करी थी ना, हाउज दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। सी यू आर राइजिंग लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेस, ठीक है। तो डोंट वरी, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा आपके लिए। कुछ और एडवाइस निकालते हैं हमारे एनर्जी ओरेकल से, क्या करना चाहिए आपको, क्या किस एडवाइस की ज़रूरत है आपको। ओके, यहाँ पे है येन यांग। तो आपको अपने ट्रू फॉर्म में, ट्रू मैस्कुलिन या फेमिनाइन एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे मुझे काफ़ी ट्विन फ्लेम्स के यूनियंस भी होते हुए दिख रहे हैं, फाइनल यूनियन, ठीक है। एंड बॉटम में है विक्ट्री। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको जो भी करने वाले हो, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी। चलिए, एंजल एडवाइस गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो जो भी सिचुएशन में आप हो, मदद मांगिए, आपको मदद मिलेगी। अगर कोई सवाल था, उसका जवाब यस है। एंड आखिरी मैसेज आपके लिए रहेगा, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो मे बी एक साल लग सकता है अभी से, ठीक है। एंड बॉटम में है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो मे बी आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। सेम रास्ते पे क्या चलना, कुछ नया करते हैं, राइट। चलिए, अभी आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो पहला मैसेज आपके लिए है, मेरी वजह से हमारा प्यारा सा रिश्ता ख़राब हुआ। तो इस पर्सन को लगता है कि उनके वजह से ही रिश्ता ख़राब हुआ है। नेक्स्ट है, मैं अकेले में तुम्हें याद करके रोता हूँ। रुकिए, तो आपके पार्टनर आपको याद करके रोते हैं, फोकस नहीं हो रहा है, सो लीव इट। तुम्हें खोने का डर हमेशा रहता है इस पर्सन को। कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी, अकेलेपन में तुम और याद आते हो। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। सो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं। एंड आखिरी मैसेज है इनकी तरफ से आपके लिए, बहुत बात तो करनी है पर डर है, क्या तुम रिप्लाई करोगे। तो इनको डर लगता है कि क्या आप, पता नहीं आप इनसे बात करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। और मैसेजेस देखते हैं। काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। मैंने तुम्हें ही नहीं, अपने आप को भी खो दिया है। सो इस पर्सन ने सिर्फ आपको ही नहीं, अपने आप को भी खो दिया है। तुमसे और सिचुएशन से भागते भागते मैं थक चुका हूँ। सो ये पर्सन बहुत थक चुके हैं हर चीज़ से भागते भागते। भागते ही क्यों है, मिल्खा सिंह है क्या? पुराने दिन कितने ब्यूटिफुल थे ना। सो इनको वो पुराने अच्छे वाले दिन याद आ रहे हैं। आखिरी मैसेज है, धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। ओके, सो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप ये 99 पोर्टल आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लाए, आपकी स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाए, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाए, आपके अंदर ढेर सारा प्यार भरे। सो अगर इस रीडिंग को क्लेम करना है आपको, इस वीडियो को एक लाइक चिपका दीजिए और इस वीडियो के नीचे डेफिनेटली कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए अपने पर्सन के लिए, ठीक है, जो भी मैसेज आप उनको देना चाहते हो।
भले ही उनका नाम मत लिखिए, आप बस एक प्यार भरा मैसेज अपने पर्सन के लिए लिखिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऐसे मत लिख देना, ठीक है। आई होप डिवाइन एनर्जीज उन मैसेजेस को उन तक पहुँचाए, एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।